हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं लेके आ गया हूँ एक और वीडियो। तो मैंने थोड़ा सा स्टेडियम में कुछ अपग्रेड किए हैं, लाइट लगाई है मैंने दोनों साइड दो दो, जैसे कि आप देख ही सकते हो। और सामने उसकी बैटरी लगी हुई है, वो जो चार्जर से लग जाके कनेक्ट हो रही है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ये बेब्लेड एल, क्या कहते हैं इसको, हाँ लियोन, लियोन है ये, देख सकते हो आप। मैंने इसको एम सील से लगाया है बहुत अच्छे से, और बाद में इसको फिनिश भी किया है। तो इसकी वीडियो तो मैं बनाना भूल गया था, लेकिन मैं ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेड है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि ये नॉर्मल साइज़ का भी है और बेब्लेड बर्स्ट वाले को भी सबको हरा देता है आराम से। तो इसके ये इसको एम्पीरियल ड्रैगन को भी आराम से हरा देता है, और तो और पेगासस को भी आराम से हरा देता है ये। तो अभी फाइट करके दिखाता हूँ मैं। तो पहले इसको ही लॉन्च करेंगे, देख सकते हैं कितनी तेज लॉन्च हो रहा है। और अब पेगासस की बारी है, पेगासस काफ़ी रफ्तार से अटैक कर रहा है, फिर भी अगले को कुछ नहीं हो रहा। तो पेगासस का तो बुरा हाल होने वाला ही है। काफ़ी हद तक पेगासस इस मुकाबले में डटा रहा, लेकिन इन द एंड हार ही गया। तो कैसा लगा मेरा पेगासस? अब इसकी फाइट करेंगे एम्पीरियल ड्रैगन से। 3 2 1, एम्पीरियल ड्रैगन एम्पीरियल ड्रैगन काफ़ी बड़ा है, फिर भी इसको भी आराम से हरा देता है। और एम्पीरियल ड्रैगन तो हार भी गया। अभी इसी के साथ एक्लिस को भी छोड़ देता हूँ। तो एक्लिस ने कुछ तो किया, देखते हैं क्या पता हरा ही दे इसको, नहीं तो फिर से लॉन्च करके देखेंगे, तो फिर से लॉन्च करना पड़ेगा। बाकी अकेले इसको भी बर्स्ट कर देता है ये। थ्री टू सॉरी गाइस। और दोनों एक साथ बाहर गए, और अकेले इसका एक क्लिक भी नहीं आया, कमाल की बात है। फिर से करनी पड़ेगी इनकी फाइट, एक फाइट और। इस बार तो हरा ही देगा। तो आप देख सकते हो एक ही टक्कर में बर्स्ट कर दिया क्लीस को। तो और मैं अगर वैलकरी को अभी भी छोड़ूंगा तो अभी भी वैलकरी को हरा देगा ये। हारने वाला है, बस बस नहीं हुआ कम से कम, ये तो अच्छी बात हो गई। तो देख सकते हो वेलक्रिक तो हरा ही दिया इसने। तो कैसा लगा हमारा ये बेब्लेड, खतरनाक वाला? और लाइट क्वालिटी कैसी लगी वो भी बताना।